जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट आईटी के आज तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं चाहे वो एच ने लिए हों अलग अलग विश्वविद्यालयों के द्वारा लिए गए हों कंप्यूटर ऑपरेटर के पेपर कंप्यूटर प्रोग्रामर के पेपर हैं या कोई भी अन्य एग्ज़ाम जिनमें कंप्यूटर से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इन सभी क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए कंप्यूटर के क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ लगभग एक हज़ार से ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे आपको पता है कि पोस्ट कोड आठ से पहले जो भी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी का एग्जाम होता था उनमें कम ही क्वेश्चन कंप्यूटर से जुड़े हुए पूछे जाते थे लेकिन पोस्ट कोड आठ से एक क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कंप्यूटर के अब जबकि डॉक्यूमेंटेशन को ख़त्म कर दिया है तो 140 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे जाते हैं और देखिए इन एक हज़ार क्वेश्चन कर लेने के बाद आपको इसका जो फायदा मिलने वाला आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते क्योंकि आप खुद ही सोचिए जो तो अब सिलेबस को रिवाइज कर रहे हैं वो इन क्वेश्चंस से अपनी तैयारी का पता कर पाएंगे कि उनकी तैयारी किस लेवल की हो चुकी है कितनी कमी बाकी रहती है बाकी दूसरा जिन टॉपिक्स की आपने देखी थ्योरी पढ़ रखी है तो आपको पता चलेगा कि उन टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बनने वाले हैं और देखिए आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटने वाला आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल 100% परसेंट तैयारी आपकी हो जाएगी इन क्वेश्चंस को कर लेने के बाद क्योंकि अगर आपके मायने मान लीजिए कोई टॉपिक अभी तक मिस था आपको नहीं पता था कि इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इन क्वेश्चन में उस टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन देख लेने के बाद आप वो टॉपिक भी कवर कर लेंगे ठीक है तो देखिए एक हज़ार से ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और बाकी मैं आपको आंसर ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा बाकी एक मुझे आप कमेंट सेक्शन करके ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन हम किस तरीके से डिस्कस करें कि एक दो वीडियोज़ में ही लगभग लगभग पाँच सौ को कर 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 करके हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लें या फिर कम कम करके क्वेश्चंस को हम डिस्कस करें जैसे 50 क्वेश्चन कर लिए 100 क्वेश्चन कर लिए तो वो आप बता दीजिएगा तो आज की वीडियो में भी हम लगभग 100 से ज्यादा ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर दैट कंबाइंस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर इज तो नाइन्टी का जो राइट right आंसर है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर नाइन्टी क्वेश्चन है द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाई ए कंप्यूटर इज आर तो इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट इन सीपीयू पी तो इसका जो राइट right आंसर है वो ऑप्शन डी टू डिकोड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस 96 सिक्स है विच इज यूज एज इनपुट डिवाइस फॉर द कंप्यूटर तो इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन डी लाइट पेन सतानवे नंबर का क्वेश्चन है कि हार्ड कॉपी वुड बी प्रिपेयर्ड ऑन ए तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बे रहेगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 एट द टर्म मेमोरी अप्लाइज टू बिच ऑफ द फॉलोइंग तो इसका जो राइट right आंसर है बे है ऑप्शन बी स्टोरेज

What features in फीचर्स इन adjust the वर्ड एडजस्ट द टॉप एंड that the सो दैट centered वर्टिकली ऑन द प्रिंटेड पेज तो इसका जो राइट आंसर है वन जीरो वर्टिकल जस्टिफाइंग नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एमएस वर्ड वट कंबिनेशन ऑफ कीज डू यू प्रेस टू डिलीट ए वर्ड टू द राइट ऑफ कर्सर तो वन जीरो थ्री का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस डिलीट वन जीरो फोर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ तो 104 का जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वन जीरो सिंबल ऑन कंप्यूटर स्क्रीन दैट शोज वेयर दैरक्टर इज एन तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वन जीरो का वो है सी कर्सर 106 है इन एम एस वर्ड रिप्लेस ऑप्शन इज अवेलेबल ऑन वन जीरो का राइट right आंसर है ऑप्शन बी एडिट मेन्यू वन जीरो सेवन क्वेश्चन है इन एम एस वर्ड विच इज द शॉर्टकट की टू ओपन दायलॉग बॉक्स तो 107 का राइट right आंसर है ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस फंक्शन की 12 नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एमएस एक्सेल ईच शीट इन ए वर्कबुक इज डिस्प्लेड एज तो 108 का जो राइट आंसर रहेगा बे रहेगा ऑप्शन ए टैब 109 है इन एमएस एक्सेल व्हिच मेन्यू शोज न्यू ओपन क्लोज फंक्शंस तो 109 का जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन ए फाइल 10 सॉरी 110 क्वेश्चन है ऑन एन एक्सल शीट द एक्टिव सेल इज इंडिकेटेड वाई तो 110 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए ए डार्क वाइड बॉर्डर 111 क्वेश्चन है इन एक्सल सम फंक्शन बी यूज फॉर कैलकुलेशन तो 111 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर है उसका भी आंसर है ऑप्शन ए पांच ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफॉल्ट चार टाइप एम एस एक्सल इज तो इसका जो राइट right आंसर है 112 का ऑप्शन डी कॉलम चार्ट 113 है बिच कमांड इज यूज टू क्लोज द विंडो ऑफ एक्सल तो 113 का जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन ए ऑल्ट प्लस फंक्शन की फोर ठीक है फोर एक सौ चौदह बिच टैब इज नॉट अवेलेबल ऑन लेफ्ट पैनल वैन यू ओपन ए प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन ठीक है तो 114 का जो राइट right आंसर है वे है ऑप्शन सी नोट्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पावर पॉइंट इन विच मेन्यू यू कैन फाइंड फीचर्स लाइक स्लाइड डिजाइन स्लाइड लेआउट आउट एक्सेट्रा तो इसका जो राइट आंसर है है ऑप्शन बी फॉर्मेट मेन्यू नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एम एस एक्सल फील्ड वैल्यू में कंटेन तो 116 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बे है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज एक क्वेश्चन है ए डैश इज ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइस कनेक्टेड टुगेदर तो एक का जो राइट right आंसर है बे है ऑप्शन सी नेटवर्क नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट वर्क ऑन तो 118 का जो राइट right आंसर है बेहतर ऑप्शन सी पैकेट स्विचिंग नेक्स्ट है विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ ई मेल एड्रेस तो एक सौ उन्नीस का राइट right आंसर है ऑप्शन सी प्रोटोकॉल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है एच टी एमएल स्टैंड फोर तो एक सौ बीस का राइट right आंसर है ऑप्शन ए हाइपर टेक्स मार्कअप लैंग्वेज नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देखिए जे अलग पेपर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो इससे पहला पेपर था वो जूनियर ऑफिसर का था उसमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आए हुए थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए तो अब हम पेपर करेंगे जे नेक्स्ट द प्राइमरी गोल ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज टू टर्न डाटा इंटू देखिए एक मिनट कितने क्वेश्चन हमने डिस्कस किए एक ठीक है तो देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वे रहेगा ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन ठीक है एक कंप्यूटर प्रणाली का प्राथमिक लक्ष्य डाटा को जानकारी में बदलना होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कंप्यूटरों में सबसे छोटा कौन सा है तो तीसरे का राइट आंसर है ऑप्शन बी डेस्कटॉप नेक्स्ट है सामान्य तौर पर माउस का कौन सा बटन ओके के लिए प्रयुक्त होता है तो चार का राइट आंसर है ऑप्शन ए लेफ्ट यानी कि बाया <coughs> सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिवाइस कैन अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड प्रोग्राम्स तो इसका राइट आंसर रहेगा माइक्रो प्रोसेसर ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर छे है कि निम्न में कौन सा सिस्टम यूनिट का हिस्सा है तो क्वेश्चन नंबर छे का राइट right आंसर है सीपीयू क्वेश्चन नंबर सेवन है एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट कनेक्ट वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर इज तो सेवन का राइट right आंसर है ऑप्शन डी बस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेजेस इज अप्रोप्रिएट फॉर कमर्शियल परपज तो एट का राइट आंसर है ऑप्शन बी कोबॉल नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है तो नाइन का राइट आंसर है बिट देखिए ऑप्शन बी बिट नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाइलर ट्रांसलेट ए प्रोग्राम रिटन इन ए हाई लेवल लैंग्वेज इन टू तो दस का राइट आंसर है ऑप्शन ए मशीन लैंग्वेज नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एम एस डोज द कमांड दैट इज यूज टू क्लियर द स्क्रीन इज तो 11 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए सी आई एस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए सी आई एस या सी एल एस देख लीजिएगा ना क्वेश्चन uh, नंबर 12 यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर है उसका वेन मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड एट वन प्लेस इट इज कॉल्ड तो 12 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए लोकल एरिया नेटवर्क ठीक है ऑप्शन ए लैन क्वेश्चन नंबर थर्टीन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन ए टिपिकल नेटवर्क इज तो क्वेश्चन नंबर तेरह का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी नेटवर्क सर्वर क्वेश्चन नंबर चौदह है एन अल्टरनेट नेम फॉर द कंप्लीटली इंटरकोनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी इज तो चौदह का राइट आंसर है ऑप्शन ए मेश पंद्रह नंबर का क्वेश्चन है वर्ड इन ए वेब पेज दैट वेन क्लिक ओपन अनदर डॉक्यूमेंट इज तो पंद्रह का राइट आंसर है ऑप्शन सी हाइपरलिंक नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन यू कट और कॉपी इंफॉर्मेशन इट गेट्स प्लेस इन दी तो सोलह का राइट आंसर है ऑप्शन बी क्लिप बोर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फाइल इज क्रिएटेड बाई वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम सो क्वेश्चन नंबर सत्रह का राइट आंसर है ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट फाइल क्वेश्चन नंबर एटीन है विच ओ फॉलोइंग डिवाइस यूज्ड सेट ऑफ बीट्स टू रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ डाटा तो 18 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी अवेकस क्वेश्चन नंबर 19 है एक्सपर्ट सिस्टम इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन डी फिफ्थ जनरेशन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द फ्लो एंड टाइमिंग ऑफ डाटा एंड फ्रॉम द माइक्रोप्रोसेसर इज रेगुलेटेड बाई तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का जो राइट आंसर रहेगा वो है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का ए कंट्रोल पिंस नेक्स्ट है ट्वेंटी वन विच ऑफ एन इनपुट डिवाइस तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन का जो राइट right आंसर है ऑप्शन बी स्कैनर नेक्स्ट है विच द फॉलोइंग डिवाइसिस प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू का राइट right आंसर है ऑप्शन सी प्लॉटर नेक्स्ट क्वेश्चन है बिच पोर्ट कैन आल्सो यूज टू कनेक्ट टू कंप्यूटर टू ट्रांसमिट फाइल्स तो ट्वेंटी थ्री का राइट right आंसर है ऑप्शन डी फायर वायर पोर्ट ने ट्वेंटी फोर वट इज द मेन फोल्डर ऑन ए स्टोरेज डिवाइस कार्ड तो ट्वेंटी फोर का जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन सी रूट डायरेक्टरी नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेंटी फाइव विच ऑफ मेमोरीज हैज द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम तो इस प्रश्न का देखिए जो राइट आंसर रहेगा बे रहेगा ट्वेंटी फाइव का सी कैश मेमोरी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ दी फॉलोइंग इज ए बाइनरी नंबर तो देखिए पीछे हमने डिस्कस कर चुके हैं पिछला जो एग्जाम का जो भी क्वेश्चन पेपर था उसमें भी क्वेश्चन था अब भी है तो जीरो ऑप्शन बी फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज यूज टू स्टोर तो ट्वेंटी सेवन का राइट right आंसर है ऑप्शन बी रियल इंटीजर्स सॉफ्टवेयर इज जनरली क्लासिफाइड इन टू बिच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर तो अट्ठाइस का राइट right आंसर रहेगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ दी फॉलोइंग इज आर कार्ड लो लेवल लैंग्वेज तो 29 का राइट आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी मशीन लैंग्वेज भी और असेंबली लैंग्वेज दोनों ही क्या है लो लेवल लैंग्वेज क्वेश्चन नंबर थर्टी ए ट्रांसलेटर इज वे सॉरी ए ट्रांसलेट ट्रांसलेटर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज तो 30 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर थर्टी है प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर इज आउंड एक्सक्लूसिवली बाई तो थर्टी का जो राइट आंसर रहेगा वे रहेगा ऑप्शन ए ए सिंगल कंपनी टी टू क्वेश्चन है वट इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस ऑफ इनिशियलाइजिंग ए माइक्रो कंप्यूटर विद इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम तो थर्टी टू का जो राइट आंसर रहेगा रहेगा ऑप्शन बी बूटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोग्राम इन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डज प्रोसेसर मैनेजमेंट इज कार्ड तो थर्टी थ्री का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए ट्रैफिक कंट्रोलर थर्टी फोर है बिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम तो थर्टी फोर का राइट आंसर है ऑप्शन सी कॉम्प्लेक्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम थर्टी फाइव है बिच टाइप ऑफ कमांड्स एम एस डोज नीड्स एडिशनल फाइल्स फॉर दियर एग्जीक्यूशन थर्टी फाइव का राइट right आंसर है ऑप्शन बी एक्सटर्नल कमांड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है इन चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज कॉल थर्टी सिक्स का जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन सी फॉर्मेटिंग थर्टी सेवन बिच कमांड इज यूज इन एम एस एक्सल टू कैलकुलेट द टोटल करेक्टर इन ए सेल थर्टी सेवन का राइट right आंसर है ऑप्शन ए लैम ठीक है देखिए लेंथ 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 को को लेंथ को ऐसे न, लेंथ को लिखा गया है ई एन -E ठीक है ऑप्शन ए राइट आंसर है चार्ट्स इन एम एस एक्सल आर कंस्ट्रक्टेड विथ थर्टी एट का जो राइट आंसर रहेगा बे रहेगा ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों बोथ ए एंड बी ठीक है थर्टी एट का डी आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन